दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। इन देशों में बिकता है बहुत तेजी से कुत्ते का मांस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ देशों में बिकता है कुत्ते का मांस। जिस तरीके से भारत में कुत्ते को पाला जाता है, उसी तरीके से दूसरे देशों में कुत्ते को मार कर खाया जाता है। शायद दोस्तों आपको एक बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर कुत्ते का मीट खाया जाता है। दोस्तों क्या आपने आज से पहले कभी सुना था कि कुत्ते का मीट भी दूसरे देशों में खाया जाता है? चलिए मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कौन कौन से देशों में कुत्ते का मीट खाया जाता है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले आपको बता दें, ताइवान की पार्लियामेंट ने कुत्ते बिल्ली के मांस पर बैन लगा दिया है। पार्लियामेंट ने एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में सुधार करते हुए यह फैसला सुनाया है। यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है, यानी कि कुत्ते बिल्ली के मांस बेचने या खरीदने पर करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन तो भी विदेशी लोग नहीं मान रहे, चोरी चुपके मीट बेच देते हैं। हालांकि कुत्ते बिल्ली का मांस खाने वाला ताइवान इकलौता देश नहीं है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर इन जानवरों के मांस की काफ़ी डिमांड है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर कुत्ते और बिल्ली का मीट खाया जाता है। सबसे पहला चीन। जानवरों पर क्रूरता के मामले में चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ जिंदा कुत्तों की ही खाल उतार ली जाती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताज़ा बना रहता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा कुत्ते बिल्लियों का मांस अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी सस्ता भी होता है। चीन में हैरक रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में कुत्ते का मांस सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली डिश है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कुत्ते का मीट बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ऐसा नाइजीरिया के लोगों का मानना है। इसी के चलते यहाँ पर अधिकतर लोग कुत्ते का भुना हुआ मीट खाते हैं। नाइजीरियाई लोगों का ये तक मानना है कि इसके मीट से इम्बोला जैसे वायरस से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। नंबर 3, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कुत्ते आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए यहाँ पर आसपास के देशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं। ये ठंड इलाके हैं, यहाँ लोग पेट भरने के अलावा ठंड से निजात पाने के लिए मांस पर ही निर्भर रहते हैं। आपको तो मालूम है अंटार्कटिका में बारिश भी बर्फ की होती है। ऐसे में आपको बता दें, अंटार्कटिका में कुत्ते का मांस सबसे सस्ता है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि कुत्ते में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए अंटार्कटिका के लोग कुत्ते के मांस का सेवन करते हैं। नंबर 4, वियतनाम। वियतनाम में कुत्ते बिल्लियाँ ही नहीं, तकरीबन हर तरह के जानवर खाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुत्ते का मांस सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि यहाँ के पार्टीज या पारंपरिक त्यौहार पर कुत्ते का मांस परोसा जाता है। वियतनाम में कुत्ते के मांस की इतनी डिमांड है कि यहाँ पर थाईलैंड से कुत्ते की स्मगलिंग की जाती है। जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर इतना मांस खाया जाता है कुत्ते का कि थाईलैंड से मंगवाना पड़ता है। नंबर 5, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में डॉग के साथ पिग का मीट भी खाया जाता है। मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री होने के बावजूद यहाँ कुत्ते और पिग का मांस सबसे ज़्यादा खाया जाता है। शादी पार्टियों में कुत्ते और पिग का मांस आम बात है। इंडोनेशिया में भी शादी पार्टी में कुत्ते का मांस परोसा जाता है। नंबर 6, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी कुत्ते के मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ कुत्ते बिल्ली के मांस पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहाँ पर बहुत आसानी से कुत्ते और बिल्लियों का मीट मिल जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ प्रति वर्ष 25 लाख कुत्ते खाए जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 लाख कुत्ते प्रति वर्ष खाए जाते हैं। आपको नहीं विश्वास हो तो आप नेट पर खुद सर्च कर लें। तो दोस्तों, ये सब वो देश हैं जहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों का मीट खाया जाता है। जिस तरीके से भारत में कुत्ते और बिल्लियों को पाला जाता है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन दोस्तों विदेश में कुत्ते और बिल्लियों का मांस बहुत स्वाद से खाया जाता है। ऐसा मानो विदेशी लोगों का मनपसंद खाना कुत्ते और बिल्ली है। दोस्तों आपने तो इस वीडियो को देख लिया, आप लोगों का क्या कहना है इन विदेशी लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, ताकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाते रहें। और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।